प्यास लग रही है, हम क्या बिना पानी मर जाएंगे। मेरे रवि किशन आ गए, मेरे बच्चे आ गए। बहन जी सुनिए, आपके रवि किशन चाहे आए चाहे ना आए, हमें तो यहाँ से बाहर जाने दीजिए। ये कौन दुष्ट बोला, कहाँ से बोला? लगता है तुमने किसी का बहुत बुरा किया है, अभी यहाँ के फंसे हो। अब तुम यहाँ से सीधा परलोक सुधारोगे। नहीं नहीं, हमें पाताल लोक जाने की कोई जल्दी नहीं है, आप बस हमें यहाँ से बाहर जाने दो। तुम तभी यहाँ से जा सकती हो जब तुम्हारे दिल से ईर्ष्या और लालच को बाहर निकाल दोगी। अम्मी। हाँ? आवाज नहीं आ रही। नहीं, आपको लग रहा है चली गई? लो अभी अभी चली गई, अब हमें यहाँ से कौन बाहर निकालेगा? अरे फोन हुआ कहाँ है? निकालेगा मतलब? फोन करते हैं। इसको फोन करो। अरे सत्यानासी, फोन का तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। उस ऊपर वाली बहन जी से फोन मांगे का? पापा पकड़ा गई होगा अभी ऊपर वाली बहन जी से। अब मदद क्यों नहीं मांगोगा? अच्छा ठीक है, नहीं मांगेंगे। मेरे रवि किशन आ गए, मेरे बच्चे आ गए। तो साल बाद मेरे बच्चे आ गए। इन्हीं दोनों ने तुमको इस नींद से जगाया है। अब तुम जाओ और इनको हमेशा के लिए सुला दो इस गड्ढे में। किसी को नहीं सताएंगे आज के बाद। किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। हम अब किसी का बुरा नहीं करेंगे। एक स्त्री होके स्त्री का घर उजाड़ती है? तुम्हें कैसे पता? हमें सब पता है, और अन्याय किया है तुमने। इसे कैसे पता कि हमने खुशिया भाभी के साथ इतना दुष्ट बर्ताव किया है? जरूर खुशिया भाभी की बात कर रही है। खुशिया भाभी तुम जहाँ भी हो हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमें कष्ट देकर ये माफी का नाम ले रही है। आज 200 साल बाद मेरे रवि किशन जिंदा हुए हैं। हाय रवि किशन, जाओ, तुम्हें जो करना है इनके साथ कर दो। सॉरी अम्मी जी, चाहते हैं कि हम आपको निकालें, पर ये दुष्ट मम्मी जी को तो हम कभी नहीं निकालेंगे। क्या करें, वो कहते हैं ना कि वो घुन के साथ गेहूं भी पिट जाता है, तो बस यही हो गया। पर कोनो बात नहीं, अब आप ना थोड़ी देर इस गड्ढे में ही आराम करो, अब हम चलते हैं। मम्मी जी को इस हालत में नहीं छोड़ सकते हैं, क्या करें, हमको निकालना तो पड़ेगा ही, क्या करें। भैया जी, अरे ओ भैया जी सुनिए ना, वो कहा है कि वो जो पीछे वाला गड्ढा है ना, हमने दो लोगों की आवाज सुनी, तो आप लोग जाके उनको निकाल दीजिए ना, और जब हम चले जाना उसके बाद निकालिएगा। हाँ पैसा है, पैसा हम देंगे, ऐसे नहीं करवाएंगे काम, पैसा देंगे हम आपको। हाँ ये लीजिए, रख लीजिए। हाँ भैया जी भूलिएगा नहीं, निकाल लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, निकाल लीजिएगा। हाँ हम तो कहते हैं ना कि आज रात इसी गड्ढे में आराम कर लेते हैं, और रवि किशन अगर बाहर हुए तो इसी गड्ढे में हमें गाड़ देंगे। काहे तक रही हो मम्मी, क्या जान के लाले पड़े हुए। अरे यार मतलब गड्ढे में पड़े रहना तो रात भर में मर ही जाएंगे।
बाहर निकलते हैं थोड़ा, अगर कहीं रवि किसी ने इधर उधर हुए तो हम दौड़ लगा देंगे। लेनदार हमारे पीछे पड़े हुए जान के, अब 7 दिन में अगर हमने नहीं दिए तो हमारा तो पत्ता काट लेंगे। 2 दिन निकल गए टंकी में। हम कैसे भी करके पैसे का इंतजाम कर लेंगे बेटा, तू चिंता मत कर। परी किस दिन काम आएगी, उसके ससुराल वाले हैं ना बहुत करोड़पति हैं, 5 लाख तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, 5 लाख तो वैसे कचरे की तरह फेंकते रहते हैं। परी को बोलना पड़ेगा, परी को कैसे बोलेंगे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को कहा दो उससे। अरे तो पहले बता लेता ना ये सब, जबरदस्ती वो उसका सर खोल कर आ गया, उसे बाबा फैंटम बन के जाके दे मारा। अरे पहले पता होता तो मैं गले वाले लगा लेते अपने बहनों ही को। हम चिंता मत कर, जब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे ना तो एक मिठाई का डिब्बा लेके और परी के ससुराल चले जाएंगे। वहाँ जाके सबसे पहले तो दामाद जी को फुसलाना पड़ेगा, उनको एक बार फुसला लेंगे ना धीरे धीरे करके वैसे सरकाते रहेंगे। अरे दामाद को फुसलाना छोड़ो, एक परी है हमारी, तुम पे गई है बिल्कुल, मतलब वो उसने अगर पहचानने से मना कर दिया तो हमें तो यकीन है पहचानने से मना कर देगी वो। ऐसा थोड़ी करेगी, हम उसकी मम्मी है, वो हमारी बेटी है, ऐसे कैसे पहचानने से मना कर देगी वो, ऐसा नहीं कर सकती। और हम बहुत साथी हैं, हम उससे ज्यादा नौटंकी कर सकते हैं, हम परी को मना लेंगे, परी को मना के उससे पैसे भी ले लेंगे और सब ठीक हो जाएगा, और तू बस नोट गिनने की तैयारी कर। हाँ ठीक है, अगर जिंदा बच्चे बाहर निकले तो वो सब भी कर लेंगे। ऐसा मत बोलो बेटा, ऐसा मत बोलो।